आज हम बनाने वाले हैं आलू और बेसन से नाश्ता। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। ये मैंने 4 मीडियम आलू ले लिए हैं और ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब इनको हम एक बाउल में ग्रेट कर लेंगे। आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं, इसको हम एक तरफ रख लेंगे। अब एक बाउल और ले लेंगे। ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने 2-4 हरी मिर्च काट ली है और ये हरी प्याज है, ये हरा धनिया है, इन सबको हम इसी में डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने 1 कटोरी बेसन में 1 ग्लास पानी लगभग डालेंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे। मैंने ये आधा डाल लिया है, अभी आधा रख लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी जो बाकी बचा हुआ है ये भी हम इसी में डालेंगे। एक इसका पतला सा बैटर बनाना है। ये देखिए कुछ हमें इस तरीके से बनाना है। हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से रहेगा हमारा बैटर। गैस का फ्लेम हमने चालू कर लिया है और इस पे एक पैन रख लिया है हमने। इसमें लगभग 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ऑयल गर्म होने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और जो हमने बैटर बना के रखा है इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डाल देंगे। अब इसको और इसको चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ग्रेट करके आलू रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर थोड़ी धीरे धीरे टाइट होने लगा है। बैटर हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें ऑयल लगा लिया है। अब इसको हम बैटर इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने 1 कटोरी पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको हम दबाते हुए इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से ऊपर से चिकना हो जाए। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुकी हैं। चलिए इसको हम काट लेते हैं। अब मैं चाकू से इनके पीस बना लूंगी। अब इनके हम पीस निकाल के रख लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए हमने सभी पीस निकाल के तैयार कर लिए हैं। चलिए इनको और भी क्रंची और टेस्टी बनाने के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा तेज गरम होना चाहिए, इसमें तेल भरना नहीं चाहिए क्योंकि तेज गरम होगा ऑयल तो हमारा इसमें ऑयल भरेगा नहीं अंदर से। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे पलटते पलटते हुए। ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं ये चारों तरफ से। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा आलू और बेसन से कितना लाजवाब नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, सबको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही आसान रेसिपी है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है।
जब आप बनाओगे तो बहुत ही आसान है। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।